कर दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जय फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो है हिंदी का नोट्स कंप्लीट होने वाला है, तो आज जो है मैं पार्ट 20 लेकर के आया हूं। तो 20 पार्ट में आपको जो है समाप्ति की ओर ले चलता हूं, क्योंकि हिंदी का मेरा सारा सिलेबस जो है कम्प्लीट हो चुका है, जो कि मैंने नोट्स बाई नोट्स मैंने आपको पढ़ाया है फ्रेंड। तो आज जो है लास्ट मेरा जो चल रहा है 20वां पार्ट, आज मैंने जो यहाँ लिख लिया है 20 पार्ट, पार्ट नंबर 20। तो मैंने जो है 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से जो है आपको प्लेलिस्ट में हिंदी का पूरा नोट्स आपको एक तरीके का पेपर टाइप से पूरा मैंने उस वहाँ पर करवा दिया है। तो आपको अगर इस प्रकार की वीडियो चाहिए और अगर कुछ और चाहिए तो मेरे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर कर देना, जिससे कि मुझे क्या लगेगा कि हाँ भैया कुछ और करवानी है तो मैं और करवाऊंगा। अदरवाइज इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है हिंदी में, मुझे जैसा लगता है। जहाँ फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जहाँ फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखा देते हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कि आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जो कि आज जो पढ़ाने वाला हूँ लास्ट चल रहा है इसका, जो है जीवन परिचय। जी फ्रेंड, जो कि मैंने 19 पार्ट में भी करवाया था जीवन परिचय, जो कि गद्य का था, ये जो जीवन परिचय है सब पद्य का है। आपको बहुत ही इजी स्टेप में जैसे उसमें बताया था उसी प्रकार से मैंने इसमें भी लिख लिया है, और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पर टोटली समझा देता हूँ फ्रेंड। और आपको जो है इस जीवन परिचय को एक बार देखने के बाद जो है बार बार इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इसका जो है जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम और जन्मस्थान और इनकी रचनाएं, बिल्कुल यही चीज़ आपको परफेक्ट माइंड में बैठा लेनी है फ्रेंड। इसके बाद अदरवाइज कोई सा भी, यानी आप 11th में, 12th में, 10th में, 9th में, 8th में, किसी भी क्लास में हो, आप बड़े आराम से कोई सा भी जीवन परिचय आ जाए तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ फ्रेंड। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए किसी एक का रचना लिखिए या उनकी रचना लिखिए। किसी को हटा दीजिए, यहाँ पर आपके बोर्ड के क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से होंगे। उनकी एक रचना लिखिए जी फ्रेंड, या रचनाएं लिखिए, इस प्रकार से होंगे आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 4 जीवन परिचय, 4 है। पहला है सूरदास का जीवन परिचय, नंबर 1। नंबर 2 गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, नंबर 3 महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। ये जो 4 जो मैंने जीवन परिचय करवा दिया है इसी में से आपका जो है बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे। बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस सिंपल सा है जो ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक का साथ काम करेगा फ्रेंड। ये ट्रिक आपको जो है बढ़िया से फॉलो कर लेनी है। एक बार आप इसको बढ़िया से एक याद कर लेते हैं, जितने भी हैं मैंने चारों करवा दिए, चारों का जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, ये चारों चीज़ आप बढ़िया से याद कर लेते हैं चारों जीवन परिचय का, तो मैं डिफेक्ट यहाँ पर जो है मतलब कि कम्प्लीटली बता रहा हूँ कि आपको जो है कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जीवन परिचय से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, रचनाएं भी, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है ये है सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय में देख लीजिए, सूरदास का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, सबसे पहले जो लिखा है यहाँ पर स्मरणीय तथ्य, स्मरणीय तथ्य ये आपको लिखने ही है फ्रेंड। इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैं सबसे अलग पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि जीवन परिचय वही है, जन्म भी वही है, स्थान भी वही है, पिता का नाम वही है, गुरु का नाम वही है, सब चीज़ वही है, सिंपल है, लेकिन बट मैं यहाँ पर जो करवा रहा हूँ ना थोड़ा सा अलग टाइप से, स्मरणीय तथ्य मतलब इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है और इसी के बारे में लिखना है जय फ्रेंड। तो देख लीजिए, जन्म जो हुआ था सूरदास का 1478 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका जन्म स्थान था रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, इनके पिता का नाम था रामदास था, इनके गुरु का नाम था बल्वाचार्य जी थे, इनकी रचनाएं जो थी 3 रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य और लहरी आदि था जी फ्रेंड। ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर यह है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, जीवन परिचय लिखिए। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, स्मरणीय तथ्य लिख देना है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर स्मरणीय तथ्य, इसके बाद लिखना है जन्म, जन्म कब हुआ था तो 1554 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, जन्म स्थान कहाँ का है तो एटा जिले के सहरो नामक ग्राम में हुआ था,
और ये जो है कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ग्राम में भी हुआ था, इसका कई जगह का नाम आएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लिखें, एटा जिले के सेरो नामक ग्राम में हुआ था। या फ्रेंड इनकी रचनाएं थी राम, लला नेहचू, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम चरित्र मानस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये पिछले साल 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास का लिखने के लिए। आप बड़े आराम से इसको जो है दोबारा से देख लीजिए और आप जो है इसको एक बार नोट कर लेते हैं, इसका जन्म मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी आए वो सब आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो कि गोस्वामी तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, महादेवी वर्मा का हो गया, मैथिली चरण गुप्त का हो गया, जितने भी जीवन परिचय हैं उनमें से एक जीवन परिचय जो कि मैंने सबसे पहले लिख रखा है यहाँ पर, सूरदास का जीवन परिचय, इनको जो है मैं पूरा करवा दूंगा फ्रेंड, वो भी स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखने हैं फ्रेंड, तो आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा के बारे में देख लीजिए। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय सिंपल है, सभी में आपको इसी प्रकार से लिखने हैं, मेन चीज़ यही होता है आपको यहाँ पर फोकस करनी पड़ेगी, स्मरणीय तथ्य। फिर इनका जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1987 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो फर्रुखाबाद में हुआ था। माता का नाम क्या था, हेमरानी थी, माता का नाम हेमरानी। रचनाएं इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, इनकी प्रमुख रचनाएं चांद, इसके बाद अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी या फ्रेंड। और मैंने तो इसको लिख दिया है, आपको जो है क्या करना है फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर जो लिख दिया है आप चाहे तो इसको डिजाइन करके आप लिख सकते हैं, मतलब कि उसके बाद इसके नीचे जो लिखने हैं अगले स्टेप वो है जीवन परिचय डाल करके हेडिंग, उसके बाद ही आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करनी है फ्रेंड, तब जाके नहीं आपका जो है इसमें भी 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस यानी सूरदास का जीवन परिचय को बढ़िया से आपको समझा देता हूँ फ्रेंड। कोई सा भी जीवन परिचय है, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता देता हूँ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, जैसे देख लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर, सबसे पहले जब जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन यानी संभवत 1554 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो होगा, इनके पिता का नाम वो लिख सकते हैं, नहीं तो इनका जन्म स्थान एटा जिले के सेरो नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने क्या चीज़ किए थे इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेनी है फ्रेंड, किताब में से या मॉडल में से कहीं से भी आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बड़े आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं मैंने लिखी दिया है ऑलरेडी, आप इनकी रचनाएं भी, रामलाला नेहचू, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलता नेहचू, इस प्रकार से जो है श्री रामचरितमानस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये सब आप बढ़िया से याद कर लीजिए। ये ही है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, इनकी जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में, मतलब ऐसे लिखना आपको, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम हेमरानी था। इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद के उस ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया था उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिख देनी है फ्रेंड। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं क्या है, चांद, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी प्रकार से आपको बना बनाकर लिख देनी है फ्रेंड, जब जा करके आप जो है बढ़िया आराम से 3 नंबर ला सकते हैं। मेन चीज़ है आपको फोकस करना है इसी चीज़ पर, अगर आपको जो है इस चीज़ पर अगर फोकस नहीं करते हैं तो आप जो है 3 नंबर आप नहीं ला सकते फ्रेंड। आपको जो है इसी प्रकार से, जैसे मैंने ये कर दिया, आपको बॉक्स बनाना है तो इस प्रकार से सजा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं सजाना चाहते हैं सिंपल रहने दीजिए, बस इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर हेडिंग डाल करके जीवन परिचय, उसके बाद आपको जो है लिखते जाना है, लास्ट में आप जब आएंगे तो उसके बाद लिख देना है रचना है। चलिए मैं समय नष्ट ना करते हुए सूरदास का पूरा जीवन परिचय आपको मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो एक और रह गया था हमारा मैथिली चरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में, जी फ्रेंड इसका जो मैंने लिखा नहीं था लास्ट में, मैं इसका जो है इसके बाद सूरदास का जीवन परिचय पूरा लिख के दिखा दूंगा। तो देख लीजिए मैथिली चरण गुप्त का जीवन परिचय, स्मरणीय तथ्य, जन्म, इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म स्थान झांसी जिले के चीर गांव यानी चीर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त जी थे। इनकी रचनाएं भारत भारती, साकेत,
यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि इनकी रचनाएं थी, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। जय फ्रेंड, इसके बाद आपको बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका इसका इच्छा होगा तो इस प्रकार से सजा सकते हैं इसको, अदरवाइज कोई नहीं, सिंपल भी इसको छोड़ सकते हैं फ्रेंड। इसको चाहे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और बढ़िया से डेकोरेशन सजा सकते हैं। उसके बाद आप बढ़िया से नंबर भी पाइएगा। जितना अच्छा से लिखिएगा, जितना साफ सुथरा लिखिएगा, उतने अच्छे नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया आएंगे। अदरवाइज वैसे अक्षर लिखते हैं लेदर वाली, मतलब कि कहीं रह इधर और चे इधर, तो फिर आपका जो नंबर कटेंगे फ्रेंड। इसलिए कहता हूँ अगर ध्यान से लिखिए और बढ़िया से अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एक महीना में आप बढ़िया से तैयारी कर सके, जो कि जनवरी जनवरी में। जय फ्रेंड, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को यानी सूरदास का जीवन परिचय स्टेप बाय स्टेप आप समझा देता हूँ फ्रेंड। पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसके बाद जीवन परिचय मैं पूरा यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रेंड। या फ्रेंड, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर सूरदास का पूरा जीवन परिचय। बहुत ही इजी स्टेप में जो जो मैंने यहाँ पर लिखा था और बार बार मैं बोल रहा था कि इसी को देख करके हमें जीवन परिचय को जो है क्या करना है, लिख देने हैं फ्रेंड। तो बहुत ही इजी स्टेप में मैंने लिखा है, जैसे देख लीजिए स्मरणीय तथ्य में सूरदास का जीवन परिचय लिखा हुआ है सबसे पहले, फिर स्मरणीय तथ्य, फिर ये ब्रैकेट सा बना लिया। ब्रैकेट सी बनाने के बाद इसी में से आपको ये बना देनी है फ्रेंड। जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप इसको बना नहीं सकते फ्रेंड, ये जीवन परिचय बना के लिख नहीं सकते, क्योंकि मेन चीज़ आपका बेसिक जो होता है ना वो जड़ होता है। अगर आपको जड़ ही नहीं पता तो आप ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं फ्रेंड। तो इसीलिए कहता हूं पहले इसका याद, इसे पहले बढ़िया से याद कर लीजिए, उसके बाद जीवन परिचय बनाना स्टार्ट कर दीजिए। पक्का है आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, देख लीजिए यहां पर। इसमें देखिए जीवन परिचय में ये तो लिख दिया, मैंने कई बार बता भी दिया है, तो यहाँ से देखिए जीवन परिचय यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे ये लिखना स्टार्ट कर देना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखा मैंने सूरदास का जन्म रुरकता नामक ग्राम में हुआ था सन 1478 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रामदास जी थे। रामदास जी यानी सरस्वती ब्राह्मण थे, यानी सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास का जन्म स्थल सिही नामक ग्राम में मानते हैं या हुआ था, कुछ विद्वान मानते हैं। एक दिन सूरदास जी गांव घाट पर चले गए और वहां उन्होंने बल्वाचार्य से मिले। कुछ समय बाद सूरदास का गुरु बन गया, बल्वाचार्य जी थे, क्योंकि कृष्ण लीला का गुणगान करते थे सूरदास, इसीलिए उन्होंने जो है बल्वाचार्य जी ने इनकी सारी मतलब की धुन यानी गौ घाट पर बैठ करके बल्वाचार्य जी जब गौ को लेकर गए थे तो वहाँ पर जो है इन्होंने गुनगुनाना स्टार्ट कर दिया था। तब उधर से आ रहे थे बल्वाचार्य जी, तो इन्होंने क्या करा, इनकी गुणगान को सुन लिया कृष्ण लीला की भक्त करते हुए। तब से गुरु बल्वाचार्य जी उनके पास गए और जब दोनों के बीच में बात हुई, बात होने के तत्पश्चात उन्होंने जो है कुछ समय बाद सूरदास जी ने बल्वाचार्य जी को गुरु अपना मान लिया। जी फ्रेंड, गुरु बन गए। बाद में इनकी विवाह हुआ था। कुछ दिनों बाद बल्वाचार्य जी के संपर्क में गए, दोबारा कुछ दिन बाद इनका विवाह होने के बाद फिर दोबारा गुरु बल्वाचार्य जी के पास गए थे। उन्होंने उनसे कहा गए थे और उन्होंने कहा कृष्ण लीला का फिर से वहीं पर जा करके गौ घाट पर वो गान करने लगा। बाद में इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो थी सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य और लहरी आदि था। जय फ्रेंड, आपको क्या करना है ये तो मैंने बोल के भी बता दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को बना करके ही लिखने हैं फ्रेंड, क्योंकि मेन चीज़ है आपका ये चीज़, ये नोट टाइप का जो है ब्रैकेट में जो मैं लिखवा देता हूँ, इसको अगर आप याद नहीं करोगे, जब तक याद नहीं करोगे तब तक कोई जीवन परिचय बना नहीं सकते फ्रेंड। तो चलिए मैं इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय फ्रेंड, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे कॉमेंट्स बॉक्स में जा करके वहाँ पर कॉमेंट्स भी कर सकते हैं फ्रेंड। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड के पास मेरा वीडियो जाए और उसके लिए भी ये वीडियो खास हो जाए, जैसे कि आपके लिए ये वीडियो है। जी फ्रेंड, और ये जो है हिंदी का लास्ट है, आज 20 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।